ये मजहब के बिना पे नहीं, ये हेरिटेज है हमारा, और जितना ओल्ड हेरिटेज हमारे पास है उतना हमारा कल्चर एक्सेलेंट होगा। जिस शहर में लाखों टूरिस्ट आता था वो था हो गया। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान है, डॉक्टर फिरोज सर, जिन्होंने टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। तो आज हम उनसे ऐसे ही कुछ सवाल पूछेंगे जो कि हमारे औरंगाबाद से रिलेटेड, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमारा जो औरंगाबाद है पूरे वर्ल्ड में अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है, अपने टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल यही है कि हमारे शहर को सिटी ऑफ गेट क्यों कहा जाता है? हेलो, औरंगाबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है और ये ओल्डन डेज में जब इसको मलिक अंबर ने कॉन्कर किया था उसके बाद यहाँ पर पहला गेट भड़कल गेट बना था। उसका नाम भड़कल गेट था, भड़कुल। इट वॉज मेड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, और वो पहला गेट बना था जो उसको आज हम कॉमनली भड़कल बोलते हैं। और उसके बाद में ये जब मुगल्स का वो चला है तो ये सिटी के आउटर गेट्स जितने थे वो 52 गेट्स थे, और यहाँ का 52 पूरे थे। पूरे मतलब एक एक एरिया का एक सूबेदार इंचार्ज हुआ करता था, और उस सूबेदार के नाम के ऊपर उस एरिया को आज भी वो नाम से पुकारा जाता है। जैसे उस्मानपुरा, तो वो ऑलरेडी अपने पास में उस्मानपुरा, मतलब वो उस्मान जो है उस टाइम के उस सूबेदार का नाम था। करण सिंहपुरा, तो करण सिंह वहाँ का सूबेदार था तो उसके नाम पे वो पूरे का नाम पड़ा हुआ है। हर एक उसके सूबेदार का एक अपना किला होता था, उसके चार गेट्स और ये 52 आउटर गेट्स, तो ऐसे मिला के कुल 260 गेट्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम सिटी ऑफ गेट्स पड़ा था। तो सर अभी औरंगाबाद में कितने गेट है? गेट्स तो अभी वैसे जो है मेन ज़्यादा नहीं है बचे हुए, बहुत कम है। अगर आप उसको गिनेंगे तो आप दिल्ली गेट, उसके बाद रंगीन गेट, उसके बाद काला दरवाज़ा, फिर उसके बाद नौबत दरवाज़ा, फिर भड़कल, फिर महमूद दरवाज़ा, फिर बारह पुलिया, पैठन गेट, रोशन गेट, कटकर गेट, जाफर गेट, और एक ख़ास गेट था वो भी गिर चुका है अभी, फिर एक हाथी दरवाज़ा है, मकई गेट, बड़ी मुश्किल से 14 या 15 गेट्स है बस। तो सर ये जो गेट अभी गिर चुके हैं या फिर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका मेंटेनेंस और इसकी देखभाल नहीं है और इसका मिसयूज़ है। पब्लिक ने अभी हाल ही में ख़ास दरवाजे को गिरा दिया और इलीगल ऑक्यूपेंसी वहाँ पे हो गई, और ये गेट्स के अतराफ में आए दिन गैरेजेस, गंदगी, कूड़ा पड़ा हुआ होता है और सब एनक्रोचमेंट्स होते हैं उसके अतराफ में, तो इसके तरफ किसी की देखभाल ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ को निग्लेक्ट जब करते हैं तो फिर उसका हाल यही होता है। अगर उसको मेंटेन करेंगे आप तो चलेगा। आज अपने पास औरंगाबाद को एक हिस्टोरिकल सिटी बोलते हैं, पर इसके हिस्टोरिकल सिटी के लिए जो हेरिटेज है, जो मॉन्यूमेंट्स है, इसमें रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स भी है, जनरल मॉन्यूमेंट्स भी है, गार्डन्स है, पैलेसेस है, तो ये चीज़ों को आज डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हो, MTDC हो या कॉरपोरेशन हो, ये किसी का भी इसके तरफ कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्किंग नहीं है, और निग्लेक्टेड साइट सही है ये, बस है रजिस्ट करते हुए। सारे लोग वहाँ जाते हैं तो कोई नाम लिखने के लिखता है, खोदता है, कोई मकबरे में जाता है तो वो पीतल के वो दरवाज़ों के वो निकालता है कि ये किला निकलेगा तो मैं घर पे रखूँ, और जो भी चीज़ देखता कोई बोलता मैं घर कैसे ले जाऊँ। अब वो इतना बड़ा पैलेस था यहाँ पे किले आर्क, आज वहाँ के लकड़ियाँ, खिड़कियाँ, बड़े बड़े नाट वो लोगों ने निकाल के ले गए जलाने के लिए। अब यहाँ पर जो एक हेरिटेज साइट है जिसको आप किले आरक बोलते हैं, किले आरक मतलब मेन फोर्ट, इस फोर्ट में औरंगजेब और उसकी फैमिली कई साल रही, और उस जगह को आज अगर आप जाके देखेंगे तो एक खंडर की तरह है वो। कई साल उसमें फाइन आर्ट का कॉलेज हुआ करता था, आज वो एक खंडर में तब्दील हो गए, और वहाँ के आप देखेंगे दरवाजे, खिड़कियाँ, नाट, लकड़ी के बड़े बड़े
पिलर्स लोगों ने तोड़ तोड़ के अपने घर ले जाके जलतन बना दिए। तो इस तरीके का अगर कभी ये चलता रहेगा तो कोई भी चीज़ यहाँ नहीं बचेगी, और जहाँ पर अगर हेरिटेज ख़त्म हो जाता है वहाँ टूरिज्म भी ख़त्म हो जाता है। सर मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक फॉरेजिन की एक नागरिक था जिसने कहा था कि मुझे यहाँ के औरंगाबाद के जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो काफ़ी अच्छा लगा देखने में, लेकिन मैं वापस जाने के बाद में मेरी जो पहचान के उन्हें फिर से रिकमेंड नहीं करूँगे कि यहाँ पर आना चाहिए। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? देखिए अब आज हमारे पास हर जगह स्मार्ट सिटी का बड़ा क्रेज चल रहा है, जहाँ वहाँ बोलबाला है, पर इस स्मार्ट सिटी के अंडर में भी अभी तक क्या काम है वो सामने दिख के नहीं आया कुछ। मेरा तो एक अपना ओपिनियन है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो टूरिज्म वहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। आप अपने घर पे एक गेस्ट को अगर बुलाते हैं तो आप अपना घर पहले सेट करते हैं, फिर वो मेहमान को बुलाते हैं। तो टूरिज्म भी इसी तरीके का है, हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं इस शहर में आइए, और इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट जब आता है तो उस शहर को देख के अपने ख्यालात को बदल के जाता है, वो एक अच्छे मूड में आता है अपनी यादें यहाँ से समेटने के लिए कि मैंने इस केव्स के बारे में सुना, मैंने मकबरे के बारे में सुना, पंचक्की के बारे में सुना कि औरंगाबाद बहुत अच्छा शहर है। मगर जब इस शहर में वो अंदर आने के बाद में अगर वो रास्ते पे जाने में रास्ते में गड्ढे कूद रहा है, और कहीं होकर वो ऑटो में जा रहा है या किसी उसमें कोई ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है और उसको वो धचके बैठ रहे हैं, तो आदमी बोलता है यार मैं कहाँ आ गया, सज़ा काट रहा हूँ या मैं तफरी करने को आया। और जहाँ पर कोई चीज़ अगर अच्छी यादें रहेगी तो वो 10 को शेयर करेगा और ये बोलेगा कि भाई बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर जाना। और अगर बैड एक्सपीरियंस आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलेगा भूले से भी वहाँ मत जाना। राइट सर। तो ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग जो होती है ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है। पूरे इंडिया में कोई सिटी ऐसा नहीं है जहाँ 2 यूनेस्को के साइट्स हैं, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहा जाता है, वो औरंगाबाद में अजंता और एलोरा का है, दौलताबाद फोर्ट है, बीबी का मकबरा है, पंचक्की है। तो ये सारे और कई सारे औरंगाबाद केव्स है, यहाँ पर टेम्पल्स है, खड़केश्वर पे मंदिर है, औरंगपुरे का मंदिर है, सुपारी हनुमान का मंदिर है, सातारा का मंदिर है, बेगमपुरे का मंदिर है, हनुमान टेकड़ी है। तो यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत अच्छे से वो है। ये 500 साल पुरानी मंदिरें हैं, ये इसको आप क्या कहेंगे, इसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। ये मज़हब के बिना पे नहीं, ये हेरिटेज है हमारा, ये आपका हमारा सबका फ़र्ज बनता है। और जितना ओल्ड हेरिटेज हमारे पास है उतना हमारा कल्चर एक्सिबिट होता है, और टूरिज्म में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। राइट सर। और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो कि इस टूरिस्ट प्लेस जो है हमारे उसमें होनी चाहिए? अभी यहाँ की कोई भी टूरिस्ट प्लेस के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही नहीं है, जो बनाया वो लोगों ने जो बना के छोड़ दिया, जो बच गया वो रह गया। आज के लोगों का उसमें कोई किस्म का कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं दिख जाता है। एक बेसिक टॉयलेट्स का वहाँ पर प्रोविज़न नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न नहीं है कि लोग वहाँ पे अगर कल को कोई जाता है तो पीना पानी चाहता है तो कूलर्स भी नहीं पानी पीने के लिए, गर्मी में आओ या किसी भी मौसम में आओ। तो एटलीस्ट बेसिक एम्यूनिटीज़ तो हमको प्रोवाइड करना चाहिए ना, वहाँ पे बैठने के लिए कुछ बेंचेस है, सिटिंग के लिए वो होना चाहिए, पार्किंग की सुविधा होना चाहिए। अब ये यहाँ पर जाओ तो पार्किंग के लिए रोड के ऊपर लगाना पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। राइट सर। तो दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, फिर टूरिस्ट को भी तकलीफ़ हो जाती है, फिर वो उतर के गाड़ियाँ क्रॉस करते हुए आना पड़ता है। तो एटलीस्ट एक प्रॉपर तरीके से रास्ते सही होने चाहिए। मकबरे को जाओ तो वहाँ पे पूरे रास्ते से बंडियाँ लगी हुई है, भेल की है तो कोई कोई वड़े पाव की, कोई और चीज़ की, भाई आप उसके लिए एक अलग एरिया वो कर दीजिए डीमार्केट, और वहाँ पर आप अच्छे से स्टॉल्स लगाइए और लोगों को आप वहाँ पर मंथली बेसिस पे अलॉट करिए। अगर आपको वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह चाहिए तरीके से बना के लो, जगह बहुत है वहाँ पर, उसको रोड्स के ऊपर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पार्किंग स्लॉट्स नहीं है, सिटी में कहीं पार्किंग स्लॉट्स नहीं है। अगर टूरिस्ट आता है तो पहले भी फॉरेनर्स काफ़ी आते थे, वो ओल्ड सिटी देखने को जाते थे। राइट। तो वो फिरते पूरा सिटी के अंदर, आपके पास जगह जगह जाओ सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है,
गड्ढों की वजह से पानी पड़ा हुआ है बारिश में, किधर जा रहा है आदमी को कुछ पता नहीं है, पैर किधर जा रहा है, कोई गिर जाए तो हड्डियाँ टूटने के काम है, और कोई एजेड आदमी आ जाए तो उसके लिए तो आखिरी वक्त आने का टाइम है। और ये गड्ढे इतने हैं बुरे आज रोड्स के ऊपर, कई लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया है, किसी को बैक पे उनका प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो टूरिज्म का मतलब किसी को तकलीफ देना नहीं है, टूरिज्म का मतलब है कि आदमी अपने आप को रीजनरेट करे, राइट सर, और वो रिलैक्स फील करे। लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं, इसके लिए जाते हैं, योगा के लिए जाते, क्यों जाते कि अपने आप को आप रिक्रिएट करके रिलैक्स होना चाहते हैं, आपकी डेली लाइफ की रूटीन से हट के आप नई जगह जाके फ्रेश होके आना चाहते, और यहाँ आने के बाद वो फ्रेश होना छोड़ के वो नए टेंशन में आ रहा है, ना यहाँ पे कोई जगह सही है, ना पार्किंग है, ना रोड्स है, फिर वो जगह पूछने जाना पड़ता है, साइनेजेस नहीं, इंफॉर्मेटरी साइंस नहीं है, फिर वो मॉन्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन वहाँ की वो कोई इंफॉर्मेटरी साइंस नहीं है, गाइड लेके जाओ, गाइड है तो ठीक है, नहीं है गाइड तो क्या करेगा। तो ये अपने बेसिक चीज़ें कॉरपोरेशन ने इन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपने सवाल उठाया था इस पर, मैंने अभी मेमोरेंडम आज मैंने जो दिया है आप उसमें देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने मेंशन किया कि जो कंसर्न ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी जिसकी वजह से ये निग्लिजेंस से ये हुआ है उस पर एक्शन लिया जाए। भाई उनको हम आंसरेबल रखो ना, आज दुनिया भर का पैसे हम दे रहे हैं ये नौकरी के ऊपर, दिन जाओ पैसे आओ बोल के बैठे हुए हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर कल वहाँ पे लॉस होता है तो उसका जवाब उनको देना चाहिए। अगर कल यहाँ पे टूरिज्म से अगर ये 10 लाख रुपये रोज अगर कमाते हैं तो हमको वहाँ पे सैलरीज में 1 लाख रुपये देने में हर्ज नहीं है। अगर यहाँ पे हमको आ रहा है 500 रुपया और हमारे को खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपया, तो ऐसे लोगों को रखने का मतलब क्या है? जो भी चीज़ आपको क्रिएट करना है तो आपको काम करना ही वो है ना, सर्वाइव करने के लिए आपको उस चीज़ को संभालना है, और हमको भी एज अ सिटीजन उसको कोऑपरेट करना है, ये टीम वर्क होता है। ये लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का करते नहीं, और कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में लेके लोगों को एक फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट करना चाहिए टूरिज्म। हम सिटीजन जो है औरंगाबाद के, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जो है शहर को साफ सुथरा रखें, या गंदगी ना करें, पब्लिक प्लेसेस को गंदा ना करें, उसका मिसयूज़ ना करें, और किसी भी मॉन्यूमेंट्स पे जाने के बाद उस पर नाम अपना खोदने की और उसको डिस्ट्रॉय करने की इंटेंशंस ना हो, और अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हर एक ये सोचे कि मेरा घर है, अपने घर में आदमी कचरा डालता है क्या किधर भी, तो अपने शहर को भी अपना घर समझ के चलिए, उसकी साफ सफाई, उसकी डेवलपमेंट अपना फ़र्ज है ये समझ के चलिए, तो आपका शहर एक दिन जो नाम है वो वापस औरंगाबाद स्मार्ट सिटी वॉज देयर 500 ईयर्स बिफोर एंड इवन टुडे इट विल बी अ स्मार्ट सिटी, बट वी नीड अ प्रॉपर वे टू वर्क आउट फॉर दैट एंड देन इट विल बी द स्मार्ट सिटी। औरंगाबाद का नाम जो है आज से नहीं कई जमाने से स्मार्ट सिटी के उसमें है, और ये सारी सुविधाएं यहाँ पे पहले से थी, आज वो खत्म हो गई, हमको रिस्टोर करने का टाइम आ रहा है। उम्मीद करते सर के जो यहाँ पर प्रॉब्लम है अभी भी, जो विजिटिंग के लिए आते हैं उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती है, उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर उन्हें वो नहीं होगी, उन्हें अब बेटर प्लेस मिलेगा कि वो फिर से आ सके, दूसरों को भी रिकमेंड कर सके कि यहाँ पर आना है। सर का इंटरव्यू लेने का यही मकसद था कि हर कोई दिखाता है कि बेस्ट प्लेस इन औरंगाबाद टू विजिट, तरह से बहुत सारे टैगलाइन आते हैं, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं होता है कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सर से बात करने का यही मकसद था कि वो प्रॉब्लम्स भी दिखा सके ताकि वो भी ठीक हो सके। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। इट्स माय प्लेजर एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर अ सोशल कॉज एंड फॉर द टूरिज्म। इट्स माय एम्बिशन टू सी औरंगाबाद फ्लरिश not just within Maharashtra but all over the world, that people come and enjoy the world heritage sites and everything that Aurangabad has. That's a good message on the way. Thank you very much. Thank you sir, thank you so much.